कर रहा हूँ मेरे बाबा के बच्चों, बाबा के लाडलों, बाबा के चाहने वालों। अरे कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो। ये चंद शेर मैंने लिखे हैं, ये छोटे बाबू के नहीं है। कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो बाबा के बच्चों, कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो। रुख हवाओं का बदल दे, वो हुनर पैदा करो। तुम्हें सम्मान से जीना है अगर इस देश में, तो साथियों हर घर में एक अंबेडकर पैदा करो। कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे, वो हुनर पैदा करो। कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे, वो हुनर पैदा करो। तुम्हें सम्मान से जीना है अगर इस देश में, तो मेरे साथियों हर घर में एक अंबेडकर पैदा करो। चार मिसरे पढ़ रहा हूं दोस्तों, कृपया ध्यान रखना, इसमें बाबा का मिशन है पूरा, टोटल बाबा साहब का मिशन है इस चार लाइन में। चार लाइन पढ़ने से पहले मैंने ये क्यों लिखे हैं चार लाइन, क्योंकि जब जब इलेक्शन का दौर आता है, जब भी इलेक्शन का दौर आता है, हर पार्टी का नेता, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी का हो, बाबा साहब का नीला झंडा लिए बगैर ये हरामखोर इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सत्ता की चाबी बाबा साहब के बच्चों की बदौलत ही ये लोग हासिल करते हैं। इस वास्ते इनको बाबा के झंडे की बड़ी याद आती है इलेक्शन के टाइम, और हर नेता आपके दरवाजे पर आता है, हाथ जोड़ के विनती करता है, एक वोट की भीख मांगता है, आपको वरगलाता है, आपको बहलाता है, फुसलाता है, तरह तरह की लालचें देता है। मगर मेरे दोस्तों, इनकी लालच में आने से पहले बाबा साहब की उन बातों को ध्यान रखो, क्योंकि बाबा साहब ने एक वोट की कीमत तुम लोगों को समझाई है, क्योंकि वो एक वोट राजा महाराजा हो या राह चलता फकीर हो भिखारी हो, एक वोट का अधिकार सबको दिया बाबा ने, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, मगर गरीबों को भी, फकीरों को, भिखारियों को भी एक वोट का बराबरी का हक दिया। उस वोट की कीमत जानो, और मतदान करने से पहले ये मेरी चार लाइनें बिल्कुल जहन से हटने नहीं देना। कोई भी दरवाजे पर आए, पर आप लोग आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना। मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना। अरे भारत के सर्रे सर्रे में तुम्हारा भी एक हिस्सा है, पर बुला बुला कर कोई देगा इस धोखे में मत रहना। साहब को एक पैसे वाले ने किसी मीटिंग में कहा बाबा साहब को, एक बहुत बड़े पैसे वाले ने चिढ़ाते हुए बाबा साहब से कहा कि मिस्टर अंबेडकर, आपने ये जो एक वोट का अधिकार दिया है सबको, बराबरी में जो आपने सबको तोला है, तो आपको क्या लगता है आपका समाज इस एक वोट के बल पर तरक्की है? इतने पैसे वाले हैं कि हमारे नोटों के आधार पर तुम्हारे दलित भाइयों के तमाम वोट हम खरीद सकते हैं, इतनी हमारे में ताकत है। पैसे वालों ने कहा शिवाड़े जी कि हम अपने पैसे के बल पर तुम्हारे समाज के तमाम वोट खरीद सकते हैं, तो बाबा साहब मुस्कुराए और हंसकर उससे कहा, अरे गधे हो तुम, मूर्ख हो, मेरा नाम भीमराव अंबेडकर है, मैंने ऐसा काम किया है कि तुम भले राजा महाराजाओं की जिंदगी जीते हो, भले नोटों की बंडलों पर सोते हो, भले कोर्ट की भीख मांगनी पड़ेगी, मैंने इस तरह काम किया कि तुमको दर्द का भिखारी बना दिया।
भाई भी आए हुए हैं, ये उसके बड़े मार्गदर्शक हैं और मेरे साले भी लगते हैं। सुषमा देवी का भाई बोलो तो मेरा साला ही होगा ना, दूसरा क्या होना। एक नहीं है, कौन कहता है कि हम नेक नहीं है, फर्क इतना है कि हम एक नहीं है। अरे शिवाजी का वो जमाना याद करो ए नादानो, मावड़े किसका नाम था जरा तो पहचानो। अरे उनकी सल्तनत हमारे बल पर चलती थी और हमारे आगे दुश्मन की दाल ना गलती थी। Yeah.